Now I am going to start today's session. I have already shared a notes of nodal analysis and mesh analysis. Today's topic are nodal analysis and mesh analysis. First, we will discuss about the nodal analysis. थोड़ा फास्ट में कवर करेंगे क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में भी इसे कवर कर चुके हैं. किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है. नोडल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? नोडल एनालिसिस इज अ मेथड टू एनालाइज सर्किट यूजिंग नोडल वोल्टेज एज द सर्किट वेरिएबल. बेसिकली जो हम वेरिएबल एज्यूम करते हैं नोडल एनालिसिस में, वो हम नोड वोल्टेज को एज्यूम करेंगे. तो अगर हम नोडल एनालिसिस के थ्रू किसी भी सर्किट को हमें सॉल्व करना है तो उसके बेसिक्स कुछ स्टेप्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रेफरेंस नोड डिसाइड करना पड़ेगा. सेलेक्ट जैसे स्टेप्स टू डिटरमाइन नोड वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट ए नोड एज ए रेफरेंस नोड और जो भी नोड है उनको आप असाइन वोल्टेज करना पड़ेगा, V1, V2, V3 एंड अप टू Vn-1. नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाई KCL टू ईच ऑफ द n-1 नॉन रेफरेंस नोड. मीन्स सपोज n इज ए टोटल नोड एंड 1 इज अ रेफरेंस नोड. तो टोटल नॉन रेफरेंस नोड इज n-1. अब यू ओम्स लॉ को यूज करते हुए ब्रांच करंट की KCL अप्लाई करेंगे, देन इन टर्म्स ऑफ नोडल वोल्टेज आप उसको सॉल्व करेंगे. आप पहले भी कर चुके हैं, काफी करा हूँगा आपने क्वेश्चन नोडल एनालिसिस से. एक क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे सपोज आपके पास यहाँ पर कितने नोड अवेलेबल है, 1, 2 एंड 3. टोटल नोड इज 3. वन इज अ रेफरेंस नोड, बेसिकली वी एज्यूम एज अ ग्राउंड, एंड अदर टू एज अ नॉन रेफरेंस नोड. तो हमने असाइन क्या कर दिया, V1 एंड V2. अब V1 एंड V2 पर हम क्या अप्लाई करेंगे, KCL, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2. इसको सॉल्व करने की ज़्यादा जरूरत नहीं क्योंकि आपको ये आता ही है. आप इसमें मैंने क्वेश्चन दे रखा है, देन आंसर दे रखा है उसके आगे, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. पैरेलली आप एक नोट्स जरूर बनाते रहिएगा जिससे आप सॉल्व करते रहें उसमें पैरेलली. नेक्स्ट सिमिलर आपने क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये आपके पास 1 एंड 2 एंड 3 एंड सॉरी ये एक ही नोड आएगा, काउंट होगा 1, 2 एंड 3. तीन नोड है इस केस में भी. फर्स्ट क्या है आपका, ग्राउंड. एक हमने ग्राउंड एज्यूम कर लिया, दोनों को हमने V1 एंड V2 असाइन किया. देन V1 पर आप KCL अप्लाई करोगे और V2 पे KCL अप्लाई करोगे तो आप सॉल्व कर लोगे. नेक्स्ट अगर टाइम मिलेगा तो हम इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे. नेक्स्ट इज नोडल एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्स. ये कंसेप्ट शायद आपने पढ़ा है या नहीं फर्स्ट ईयर में. क्या होता है जनरली, अगर नोडल एनालिसिस करते हैं विद वोल्टेज सोर्स. वोल्टेज सोर्स मीन्स कभी भी कोई भी नॉन रेफरेंस नोड. जैसे आपके पास सपोज ये सर्किट अवेलेबल है, इसके पास आपके पास नोड कितनी है, 1, 2, 3 एंड 4. फोर नोड्स हैं. वन इज अ रेफरेंस नोड एंड अदर इज अ नॉन रेफरेंस नोड. V1, वी विल असाइन अ वोल्टेज V1, V2 एंड V3, ठीक है. तो अगर कोई भी दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में आपके पास कोई वोल्टेज सोर्स अवेलेबल होता है, जैसे दो नॉन रेफरेंस नोड क्या थे आपके पास, V2 एंड V3, ये दो नॉन रेफरेंस नोड थे, इनके बीच में अगर वोल्टेज सोर्स होता है तो इस केस में इस कंप्लीट नोड को हम बोलते हैं सुपर नोड. जैसे अगर मैं सुपर नोड की डेफिनेशन आपको यहाँ से क्लियर करूँ, सुपर नोड की डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी कि अ सुपर नोड इज परफॉर्म्ड बाय एनक्लोजिंग अ डिपेंडेंट
और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड, नॉन रेफरेंस नोड V2 एंड V3 के बीच में कोई भी अगर वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है तो उसको क्या बोलेंगे, इस कंप्लीट को सुपर नोड। जनरली सुपर नोड का कंसेप्ट आया क्यों है, इसलिए आया है क्योंकि जैसे सपोज आपका अगर ये सुपर नोड का कंसेप्ट नहीं होता तो आप अगर सपोज यहाँ पर सिंपल मेथड से आप कर रहे होते तो आपको प्रॉब्लम कहाँ आती। जनरली आप अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप जज कर सकते हो। जैसे सपोज आपने क्या किया, ये आपके पास चार नोड थे V1 V2 V3 एंड दिस वन इज ग्राउंड नोड रेफरेंस नोड, ठीक है। तो आपने असाइन कर दिया V1 V2 और V3 को। सपोज मैं यहाँ पर आपके KCL यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। KCL अप्लाई कैसे करेंगे हम, जो V1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर V1 की वैल्यू ऑलरेडी 10 आ जाएगी क्योंकि V1 -0 = 10 यहाँ से क्लियर है। तो KCL हम यहाँ पे सपोज अप्लाई करते हैं, तो KCL जैसे अगर हमने यहाँ पर अप्लाई किया इस नोड पर, सेकंड नोड पर, तो क्या होगा, ये नोड वोल्टेज करंट निकाल सकते हो। इस ब्रांच में करंट कैसे निकालेंगे आप, सपोज आप करंट की डायरेक्शन आप इस टाइप से एज्यूम कर रहे हैं, ये इस टाइप से करंट क्या डायरेक्शन एज्यूम कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, I1। अगर दिस वन इज I1, दिस वन इज I2, यहाँ से क्या होगा, V1 -V2/2 एंड I2 is 0 -V2/8 बिकॉज करंट की डायरेक्शन क्या, अपवर्ड डायरेक्शन। तो 0 -V2/8, तो यहाँ से आप I1 और I2 कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन इस मोड पे आप KCL अप्लाई करने के लिए आपको ये करंट चाहिए होगा I3, तो आप I3 को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास इस ब्रांच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है और ये वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जनरली ये एज्यूम ये केस बनता है आपका सुपर नोड का। इसलिए हमने एक सुपर नोड की डेफिनेशन क्लियर की कि सुपर नोड कभी भी दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में कोई भी वोल्टेज सोर्स होगा तो उस केस में होगा सुपर नोड। तो जनरली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, हम एक कम्प्लीट नोड को एज्यूम कर लेते हैं इस टाइप से। जैसे सपोज आपने, अब क्वेश्चन टारगेट क्या था आपका, टारगेट है कि आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V1 V2 एंड V3, ठीक है। तो सपोज V1 की वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है क्योंकि हमने इसको रेफरेंस नोड माना है, तो V1 -10 = 0, तो V1 आपका डायरेक्टली 10 वोल्ट आ गया। लेकिन अब अगर आप इसको कंप्लीट सोल्व करते हैं, जैसे आपको V2 और V3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इस केस में करेंगे आप एक ही सुपर नोड इस टाइप से नोड को एज्यूम करेंगे। ये आपने दोनों को कवर कर लिया, ये एज अ नोड वर्क करेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं सुपर नोड। तो हमने सपोज इसमें करंट की वैल्यू एज्यूम की, दिस वैल्यू इज सपोज I1, दिस वैल्यू इज I2, दिस वैल्यू इज I3। सपोज हमने सारी करंट जो है इनवर्ड डायरेक्शन में ज़ूम किया कि जो कि नोड में एंटर कर रही है, तो हम जनरली KCL इस नोड पर अप्लाई कर सकते हैं। I1 + I2 + I3 + I4 = 0। सिंपल ये KCL अप्लाई कर दिया एट सुपर नोड, तो यहाँ लिख सकते हैं KCL एट सुपर नोड। तो हम KCL एट सुपर नोड जैसे हमने अप्लाई किया, तो I1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, V1 -V3/4, V1 -V3/4। सेकेंड I2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, +V1 -V2/2, प्लस I3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करो, -V2 0 -V2/8 एंड I4 is 0 -V3/6 = 0। तो फाइनली आप V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो, V1 is 10 एंड ये V2 और V3 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो फाइनली ये जो कंप्लीट जो हमारी KCL इक्वेशन है, ये V2 एंड V3 के टर्म में एक इक्वेशन आएगी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे जिससे हम। सेकेंड इक्वेशन कैसे आएगी, सपोज आप इस सुपर नोड की बात करते हैं, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दिस नोड एंड दिस नोड इज इक्वल टू 5। वोल्टेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लस टर्मिनल से, जैसे इधर V2 है तो V2 - V3 = 5। देन सेकेंड इक्वेशन आपके पास
ये आ गई और फर्स्ट इक्वेशन आपने केसीएल के हेल्प से निकाल लिया। तो फाइनली आप क्या करोगे, टू टू इक्वेशन टू अननोन। तो सिंपल मेथड से आप मैथमेटिक्स की हेल्प से वी टू और वी थ्री की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस टाइप से हम सुपर नोड का क्वेश्चन, सुपर नोड को पहले जज करते हैं कि सुपर नोड कहाँ पर है, कहाँ पर कैलकुल सुपर नोड की कंडीशन बन रही है, सुपर नोड की डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम स्विच करते हैं आपके पास मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस के केस में क्या होता है, जनरली हम मैश एनालिसिस इज अ मेथड टू एनालाइज सर्किट यूजिंग मैश करंट एज द सर्किट वेरिएबल। नोडल एनालिसिस में क्या था, हम सर्किट वेरिएबल को क्या अज्यूम कर रहे थे, नोडल वोल्टेज, और मैश एनालिसिस के केस में हम मैश करंट की बात कर रहे हैं। अब इसके स्टेप्स क्या हैं किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के, स्टेप्स इज असाइन मैश करंट। जैसे सिमिलर हमने क्या किया था, फर्स्ट इनिशियली उस केस में बस एक रेफरेंस वोल्टेज हमने असाइन किया था, उसके बाद अदर नोड्स को हमने नोडल वोल्टेज के अकॉर्डिंग असाइन कर दिया था। इस केस में क्या करेंगे, असाइन मैश करंट I1 I2 IN टू ऑल द एन मैशेस। सपोज एन मैशेस आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, तो हमने एन मैशेस को I1 I2 I3 IN अप टू IN हमने करंट असाइन कर दिया। अप्लाई KVL टू ईच ऑफ द एन मैश। नोडल एनालिसिस में क्या अप्लाई कर रहे थे, KCL, और यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे आप, KVL, क्योंकि आपके पास ये लूप बन रहा है। ठीक है, KVL अप्लाई करेंगे, फिर जो भी क्वेश्चन आएगी उनको रिजल्टेंट को सॉल्व करेंगे, तो आपको फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3। तो बेसिकली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स I1 I2 एंड I3। एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, तो ये आपके पास है क्वेश्चन, ठीक है, उसको आप मैश एनालिसिस के, तो जनरली क्या होता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो स्पेसिफिक होता है कि आपको नोडल एनालिसिस से करना है या मैश एनालिसिस से करना है, इसलिए हमें सब कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम सब चीज़ अप्लाई करते हैं, KCL, इवन KCL, KVL, ओम्स लॉ सब अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट सपोज ये क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। इसको केस में कैसे सॉल्व करेंगे, सब हमने इनिशियली क्या असाइन कर दिया, मैश करंट असाइन कर दिया I1 एंड I2। नेक्स्ट स्टेप क्या था, अप्लाई KVL एंड मेक द इक्वेशन। तो KVL जब हमने अप्लाई करेंगे, जनरली हमने क्या किया, 15 इक्वल टू क्या करंट फ्लो कर रहा है, I1, ठीक है, और यहाँ पर करंट हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर करंट क्या फ्लो कर रहा है, I2, तो यहाँ से क्या करंट जा रहा है, I2, ठीक है। तो जनरली आपने जब भी कभी कि मैश एनालिसिस किया होगा तो डायरेक्ट आपने लिख दिया होगा 5 × I1 प्लस, सॉरी यहाँ पर इस लूप में एक वोल्टेज सोर्स भी आ रहा है, तो 15 − 10 इक्वल टू 5 I1 प्लस 10 I1 आपका इस डायरेक्शन में, लूप की डायरेक्शन में, और I2 आपका अपोजिट डायरेक्शन में। तो 10 I1 − I2 आप इस टाइप से लिख देते थे तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। लेकिन जनरली आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो आप जनरली क्या कीजिए, सबसे पहले करंट इस सर्किट में फ्लो कर लीजिए। करंट कैसे फ्लो करेंगे हम, जैसे सपोज दिस वन इज करंट इज I1, यहाँ पर हमने क्या क्या एज्यूम किया, I2। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पर करंट क्या जाएगी, I1 − I2। तो आप KVL, सिंपल KVL भी अप्लाई कर सकते हैं या मैश की हेल्प से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली आपके पास यही क्वेश्चन आएगी। सेकंड इक्वेशन आप कहाँ अप्लाई करेंगे, इन मैश टू। मैश टू में जैसे सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स क्या है, 10 − जैसे अब अगर हम इस तरीके से देखें, अब इसको मैश एनालिसिस के ही कंसेप्ट से करते हैं, ठीक है, मैश एनालिसिस के कंसेप्ट से करते हैं, तो हम करंट को फ्लो नहीं करते, सिंपल हमने I2 1 और I2 को एज्यूम किया, ठीक है। तो अब अगर हम नेक्स्ट टू में कंसेप्ट में अप्लाई करेंगे KVL, तो हमने क्या लिखा, 10 10 इक्वल टू, ये क्या रेजिस्टेंस आया आपके पास, 10 ओम। तो इसकी डायरेक्शन में करंट क्या है आपके पास, I2, तो 10 × I2 − I1। I1 क्या है आपके पास, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने लिख दिया 10 ऑफ I2 − I1 प्लस 6 I2 प्लस 4 I2। तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई, दिस वन इज I2।
सेकंड फर्स्ट इक्वेशन भी आपके आई वन एंड आई टू के टर्म्स में आ गया, सेकंड इक्वेशन भी आई वन एंड आई टू के टर्म्स में आ गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ आई वन एंड आई टू। ये सारे क्वेश्चन जितने अनसॉल्व क्वेश्चन हैं ये आपको कॉपी पे कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना है, मैं आपको कंसेप्ट बताता जा रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन हम कर लेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है आपके पास। आपके आपने क्या डिसाइड किया कि दो ये सर्किट सॉल्व, सर्किट आपके पास आई वन और आई टू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर से आपने जिस वैल्यू 12 वोल्ट, 2 ओम, 9 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 8 वोल्ट एंड 12 ओम, आपने क्या डिसाइड किया? आई वन एक मैश में करंट असाइन कर दिया और एक आई टू असाइन कर दिया मैश नंबर 2। फाइनली सिंपल आप केवीएल एंड केसीएल, केवीएल अप्लाई करेंगे तो मैश एनालिसिस क्या कहते हैं, मैश एनालिसिस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 12 इक्वल टू 2 ऑफ I1। जनरली अगर हम कभी भी करंट को इस डायरेक्शन में लेते हैं तो जो भी सेपरेट ब्रांच होती है उसमें करंट को एज्यूम करते हैं। जैसे किसी के मन में अगर डाउट आ रहा है कि I2 को हम यहाँ एज्यूम करें, नहीं, I2 को हम जनरली इस डायरेक्शन में एज्यूम करेंगे और I1 इज सेपरेट ब्रांच इज दिस, तो I1 को हमने इस ब्रांच में एज्यूम किया। तो कॉमन ब्रांच होती है जनरली हम उसमें जो भी हमने मैच करंट एज्यूम किया उसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो अब 12 इक्वल टू 2 इंटू I1 प्लस 12 इंटू, फर्स्ट लूप में अप्लाई कर रहे हैं तो 12 इंटू I1 माइनस ऑफ I2 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज सिमिलर, आप वोल्टेज सोर्स के आपके पास -8 वोल्ट, -8 इक्वल टू, बिकॉज लूप डायरेक्शन में माइनस टर्मिनल से एग्जिट कर रहा है, इक्वल टू सेम यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं, 3 इंटू I2 प्लस 12 इंटू I2 माइनस ऑफ I1, क्योंकि लूप की डायरेक्शन में करंट क्या है I2 एंड माइनस या पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो दिस वन इज -ऑफ I1, तो I2 माइनस I1 प्लस 9 इंटू I2 क्वेश्चन नंबर 2। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, आप अगर एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, अगर सिंपल भी लग रहा है आपको तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये सब अगर कंसेप्ट आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी, तो नेटवर्क थ्योरी में कभी भी इशू नहीं आएगा आपको, क्योंकि कहीं पर भी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, लाप्लास सर्किट सॉल्व करेंगे, कोई भी सर्किट सॉल्व करेंगे तो आपको केसीएल केवीएल तो लगाना ही पड़ेगा, इवन ईडी में भी अभी हम केसीएल केवीएल लगाएंगे, ठीक है। इस टाइप से आपके पास सेम 2 इक्वेशंस बन गई है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन एंड 2 अननोन। सिमिलर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर आपके पास कोई भी सोर्स अवेलेबल हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपके पास दिस इज अ इंडिपेंडेंट सोर्स एंड दिस इज अ डिपेंडेंट सोर्स, तो इसका नाम क्या होगा आपके पास, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, क्लियर। तो यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर ड्रॉ किया तो यहाँ पर आपके पास 3 मैश बन जाएंगे, यहाँ पर दिस वन इज I1 I2 एंड I3, तो यहाँ पर हम तीनों से सेम सिमिलरली मैंने क्या बोला, जो भी सेपरेट ब्रांच होगी हम जनरली करंट उसमें अज्यूम करते हैं। जैसे सेपरेट ब्रांच यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये सेपरेट ब्रांच है, ये ब्रांच भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, इसलिए हमने I2 कहाँ अज्यूम किया, I2 ही, और यहाँ पर दिस वन इज I1, I1 एज्यूम किया, और यहाँ पर नेक्स्ट I3 कहाँ एज्यूम करोगे, I3 क्योंकि ये जो ब्रांच है आपके पास I3 के केस में ये सेपरेट। तो फाइनली जैसे ही आप KVL अप्लाई करोगे इस ब्रांच में तो क्या होगा आपका, 24 इक्वल टू दिस वन इज 10 ओम, 10 ओम टेन ओ करंट रफ कर देते हैं एक बार, ये इंडस्ट्री का 10 ओ, 10 ओ I1 कहाँ पर लगा रहे हैं आप, लूप वन में, तो यहाँ पर हमेशा लिखते रहना है KVL एट लूप वन, ठीक है, दिस वन इज लूप वन, 24 इक्वल टू 10 ऑफ I1 माइनस ऑफ I2
प्लस वेल दिस इज वैल्यू वेल I1 माइनस ऑफ I3, ठीक है। तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई I1 I2 एंड I3। सेकेंड इक्वेशन आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, 24 ऑफ I2 प्लस 4 I2 माइनस I3 प्लस 10 I2 माइनस ऑफ I1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन इज लूप 3, KVL एट लूप 3, KVL एट लूप 3 एंड इसमें KVL एट लूप 2, ठीक है। KVL एट लूप 3 जैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, एक वोल्टेज सोर्स ही है, तो माइनस ऑफ 4 ऑफ I0 इक्वल टू 4 I3 माइनस I2 प्लस 12 I3 माइनस ऑफ I1। थर्ड इक्वेशन बन गई। लेकिन यहाँ पर एक I0 टर्म एक एक्स्ट्रा आ गया, तो I0 क्या था आपके पास, ब्रांच करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। तो I0 की वैल्यू आपको क्लियर है, वेयर I0 इज ब्रांच करंट कितनी फ्लो करेगी इसमें, I1। यहाँ पर अगर देखें तो I1 माइनस ऑफ I2, तो I1 माइनस ऑफ I2 फ्लो करेगी, दैट्स वाई वैल्यू ऑफ I0 इज I1 माइनस I2। तो ये वैल्यू आप I0 की यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो फाइनली थर्ड इक्वेशन और बन जाएगी आपके पास एक I1 I2 एंड I3 में। थ्री इक्वेशन थ्री अननोन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा आपको, क्लियर। नेक्स्ट इज सुपर मैश। सिमिलरली जैसे हमने सुपर नोड का कंसेप्ट पढ़ा था, यहाँ पर हम सुपर मैश का कंसेप्ट पढ़ेंगे। सुपर मैश के केस में क्या होता है, जैसे सपोज आपने एक सर्किट लिया, जैसे हमने वहाँ देखा था कि कोई भी जो दो नोन रेफरेंस नोड के बीच में अगर कोई वोल्टेज सोर्स आ रहा था, तो उस कंप्लीट नोड को हम क्या बोलते थे, सुपर मैश, सुपर नोड। तो फाइनली सुपर मैश के केस में जैसे जो भी कंजुगेटेड मैशेज हैं, जैसे सपोज ये मैश आपके पास ये है 1 2 एंड 3, कंजुगेटेड मैश मतलब एडजेसेंट मैश भी बोल सकते हैं। तो ये आसपास जो मैश है, अगर उनमें जो ब्रांच में कॉमन करंट सोर्स है, कॉमन करंट सोर्स है, तो इस यहाँ पर कंडीशन बनती है आपकी सुपर मैश की। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। सिमिलर हमने फर्स्ट असाइन कर दिया करंट I1 I2 एंड I3, ठीक है। तो यहाँ पर जो I1 और I2 के बीच में सुपर मैश का केस बन रहा है, सुपर मैश का केस, क्योंकि यहाँ पर इन कॉमन ब्रांच के बीच में क्या है, करंट सोर्स, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुई, आप नॉर्मली सपोज आप स्टार्टिंग करते हैं नॉर्मल मेथड से, आपने क्या किया, सपोज आप KVL अप्लाई कर दे, तो KVL जैसे आपने अप्लाई किया था, तो इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस आपको वोल्टेज मिला, बिकॉज KVL इज अ अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट के अक्रॉस हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो ये भी वोल्टेज में होने आपके पास, R1 के अक्रॉस भी वोल्टेज में होने, बिकॉज यू नो द करंट ऑफ I1, बिकॉज I1 इज अ वेरिएबल, एंड R2 के अक्रॉस भी वोल्टेज नोन होना है आपके पास, क्योंकि R2 के अक्रॉस वोल्टेज क्यों नोन है, क्योंकि ये इस ब्रांच में करंट क्या फ्लो कर रहा है, I, लेकिन I के अक्रॉस आपको वोल्टेज नोन नहीं है, ठीक है। या तो I के अक्रॉस वोल्टेज कुछ गिवन होता तो आप नॉर्मली इवन सिंगल लूप में आप KVL अप्लाई कर देते हैं, लेकिन इस ब्रांच इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज का नोन नहीं है, तो आपको एक अदर वेरिएबल में एज्यूम करना पड़ेगा, जो कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, एक अदर वेरिएबल जब आप एज्यूम करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक सुपर मैश इस कंसेप्ट को हुआ बोलते हैं, ये सुपर मैश बन गया। तो फाइनली जब हम एक हो गया है मैश ये 1 मैश 2 एंड मैश 3, तो
आपके पास मैश थ्री में तो आप केवीएल अप्लाई करेंगे, लेकिन मैश वन और मैश टू में केवीएल ना अप्लाई करके कंप्लीट लूप में आप केवीएल अप्लाई करेंगे जो कि आपके सुपर मैश को स्किप करेगा इस टाइप से। जनरली आपने देखा होगा नोटिस, प्रैक्टिस जब आप करते रहते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ पर आपको केवीएल अप्लाई करना है कहाँ नहीं अप्लाई करना। वो यही मेथड है कि आपको यहाँ पर एक अदर वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा जिसको फिर कैंसिल आउट करेंगे, आपको थोड़ी क्वेश्चन जो कैलकुलेशन हो जाएगी वो टिपिकल हो जाएगी। तो फाइनली हमने जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक हम लूप वन को लेंगे एक लूप सर, टू। आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो, हेलो आवाज़ आ रही है अब? सर, आवाज नहीं आ रही है साहब एक आपकी। बाकी सबको इश्यू है आवाज का? किसी को इशू है आवाज का? सर कट कट के आ रही है आवाज। एक मिनट, किसी को कोई प्रॉब्लम है आवाज में अभी? सर नील, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, यस सर, कोई किसको प्रॉब्लम आ रही थी बेटा अभी? कुछ आ रही है साहब, आ रही है। यस आ रही है आवाज? आ रही है, ठीक सर, है, तो हाँ मैं यस सर। फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। फाइनली हमें सुपर मैश सॉल्व कर रहे थे हम सुपर मैश के क्वेश्चन को। तो सुपर मैश के क्वेश्चन में क्या था कि मैंने क्या बताया था आपको, एक तो आपका केवीएल इस पॉइंट पर लगेगा क्योंकि यहाँ पर इसके अक्रॉस भी आपको वोल्टेज नोन है एंड वोल्टेज नोन अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर आर फोर। लेकिन यहाँ पर ये हमने एक लूप डिसाइड किया था लूप वन, तो जैसे ही हम इसमें केवीएल एट लूप वन लिखेंगे, केवीएल एट लूप वन, तो यहाँ पर क्या करोगे क्वेश्चन हो जाएगा, वी इक्वल टू करंट इज आर वन के अक्रॉस करंट क्या, आई वन, आई वन इंटू आर वन प्लस आर थ्री के अक्रॉस करंट क्या है, आई टू माइनस ऑफ आई थ्री। तो आर थ्री इंटू आई टू माइनस ऑफ आई थ्री, ठीक है। तो आपके पास आर वन नॉन क्वांटिटी होगी, आर थ्री नॉन क्वांटिटी होगी, नॉन क्वांटिटी क्या है, आई वन आई टू एंड आई थ्री। तो इक्वेशन नंबर वन बन जाएगा। सेकंड सेकंड हमने क्या किया था, सेकंड इज केवीएल एट दिस लूप। तो यहाँ पर जैसे केवीएल अप्लाई करेंगे तो आर फोर इंटू सॉरी आर फोर इंटू आई थ्री, और यहाँ पर आई प्लस आर थ्री इंटू आई थ्री माइनस ऑफ आई टू इक्वल टू जीरो। किसी को डाउट हो तो बता दें। लूप नंबर ये इक्वेशन नंबर टू, केवीएल एट लूप टू, केवीएल एट लूप टू। तो आपके पास फाइनली आपने नोटिस करेंगे कि आपके पास अननोन कितने हैं, वन टू एंड थ्री, आई वन आई टू आई थ्री, ठीक है। आपके पास इक्वेशन कितनी बनी है, आपके पास दो इक्वेशन बनी है, लेकिन थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगी वो इस टाइप से बनेगी। फाइनली ये भी आपके पास नॉन क्वांटिटी होगी, तो आप अगर इस ब्रांच में करंट आप कैलकुलेट करेंगे दिस इज इक्वल टू द करंट वैल्यू ऑफ आई, तो सिमिलरली इस ब्रांच में करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई वन इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन इन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि आपके पास आई की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट क्या फ्लो कर रही है, आई वन माइनस ऑफ आई टू। तो फाइनली कैपिटल आई इज आई वन माइनस ऑफ आई टू। तो आपके पास थ्री इक्वेशंस हो गए, थ्री अननोन हो गए, वन इक्वेशन टू एंड थ्री इक्वेशन, थ्री इक्वेशन थ्री अननोन। तो आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो नॉर्मली आप कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलर आप नोडल वोल्टेज के केस में, नोडल एनालिसिस के केस में आपने नोटिस किया था कि वहाँ पर भी टू इक्वेशंस बनी थी, वी वन वी टू एंड वी थ्री में थर्ड इक्वेशन आई थी हमारे पास सुपर नोड पे जब हमने वोल्टेज डिफरेंस कैलकुलेट किया था। तो सेम है, दोनों मेथड सेम है, बस थोड़ा सेपरेट किया है। कई बार हम कोई सा भी मेथड दोनों मिक्स करके अप्लाई कर देते हैं, जनरली जब हम थ्योरम्स पढ़ेंगे तो कुछ भी अप्लाई करेंगे, कभी केसीएल अप्लाई करेंगे, कभी केवीएल अप्लाई करेंगे,
जनरली, लेकिन आपको दोनों को कंसेप्ट अलग अलग पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं, हमसे टाइम भी है अभी। क्वेश्चन इज डिटरमाइन द करंट इन द 5 ओम रजिस्टर यूजिंग मैश एनालिसिस। तो आपको स्पेसिफिक है कि आपको मैश की हेल्प से करना है, मैश एनालिसिस। तो फर्स्ट सपोज आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये आपका एक फर्स्ट मैश हो गया, सेकंड मैश हो गया एंड थर्ड मैश हो गया। लेकिन जो सेकंड और थर्ड के जो कॉमन ब्रांच है उसमें क्या रहा है, करंट सोर्स। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सुपर मैश की कंडीशन बन रही है। तो फाइनली हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम एक ही यहाँ पर करंट को एज्यूम कर लेंगे। करंट दिस वन इज करंट I1, दिस वन इज करंट I2 एंड करंट इज I3। तो I2 I3 एज्यूम करने का मतलब क्या है, यहाँ पर सेपरेट ब्रांच में करंट I1 है, सेपरेट ब्रांच में करंट I2 है और सेपरेट ब्रांच में करंट I3 है, ये एज्यूम कर लिया। फाइनली KVL हम कहाँ अप्लाई करेंगे, KVL हम अप्लाई करेंगे कंप्लीट लूप 2 में। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या इक्वेशन KVL अप्लाई करते हैं, KVL एट लूप 1। KVL जैसे अप्लाई किया तो 50 इक्वल टू 10 ऑफ I1 माइनस ऑफ I2, बिकॉज I1 इज इन दिस डायरेक्शन एंड I2 इज दिस डायरेक्शन। तो I1 माइनस I2 प्लस 5 ऑफ I1 माइनस I3 फर्स्ट इक्वेशन। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन हो जाएगी 50 इक्वल टू 10 I1 एंड 5 I1। 15 I1 माइनस ऑफ 10 I2 माइनस ऑफ 5 I3 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड इक्वेशन लूप नंबर 2 में लगेगी आपकी। यहाँ पे स्पेस का थोड़ा इशू आ रहा है, तो कोई बात नहीं, अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। KVL अप्लाई कर लेते हैं, तो KVL एट लूप 2, KVL एट लूप 2। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने KVL एट लूप 2 किया, तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, ऑल आर रेजिस्टेंस इन दिस लूप। तो 2I2 प्लस 1I3 इस टाइप से जाएंगे, तो प्लस 5 ऑफ I3 माइनस I1 प्लस 10 ऑफ I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। क्लियर, तो यहाँ से अपने सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। तो I1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, माइनस ऑफ 5 I1 माइनस ऑफ 10 I1, तो टोटल इज माइनस ऑफ 15 I माइनस ऑफ 15 I1। नेक्स्ट I2 इज 2 I2 एंड 10 I2 प्लस ऑफ 12 I2 एंड अगेन I3 इज 1 I3 5 I3 6 I3 प्लस 6 I3 इक्वल टू 0। तो फाइनली मैंने सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ अभी स्पेस के इशू को। फर्स्ट इक्वेशन आप सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं यहाँ पर साइड में, 15 I1 माइनस 10 I2 माइनस ऑफ 5 I3 इक्वल टू 50 इक्वेशन नंबर 1। दिस वन इज I3 करंट। देन अगेन इक्वेशन नंबर 2 इज माइनस 15 I1 प्लस 12 I2 प्लस 6 I3 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। आपके पास 3 अननोन है, I1 I2 एंड I3 और इक्वेशन कितनी है 2। तो थर्ड इक्वेशन कहाँ से आएगी आपके पास, इस लूप से। आपको करंट पता है, कॉमन करंट क्या है, 2 एम्पियर है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में करंट क्या है आपके पास, I2, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या है, I3। तो यहाँ से क्लियरली है आपके पास I2 माइनस ऑफ
I3 इक्वल टू 2, थर्ड इक्वेशन। ये कहाँ से आई आपके पास? सुपर मैश, सुपर मैश से इक्वेशन आ गई। तो फाइनली थ्री इक्वेशन, थ्री अननोन। तो सिंपली हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो अगर हम फर्स्ट एंड टू का एडिशन कर दें, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 15 I1 माइनस, तो फाइनली आएगा 2 I2 प्लस I3 इक्वल टू 50। देन इक्वेशन नंबर 3 में सपोज फिर से ऐड करें, सपोज दिस वन इज 4 इक्वेशन, ऐड इक्वेशन नंबर 3 प्लस 4, तो फाइनल दोनों को ऐड जैसे किया हमने, क्या हो गया? 3 I2 इक्वल टू 52 एंड I2 इक्वल टू 52/3 एम्पीयर। I2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, तो I2 माइनस ऑफ I3 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3, देन I3 इज I2 माइनस ऑफ 2, बेसिकली I2 इज 52/3 माइनस 2 इक्वल टू 52 माइनस 6। 52 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 मीन 46/3। सिमिलर आपने I1, I2, I3 एंड I1 की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइनली आज का ये टॉपिक था हमारा सुपर मै नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस और सुपर नोड, सुपर मैश। आई थिंक क्लियर है सबको। ठीक है, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, क्वेश्चन और नहीं करेंगे बाकी, क्योंकि अभी थ्योरम्स कंप्लीट करनी है, तो फास्ट थोड़ा सिलेबस कवर करेंगे। क्या किसी को भी कोई डाउट है? अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए आप सब। माइक अनम्यूट कर लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो कोई। हाँ सर, सब क्लियर है? रंजीत आवाज आ रही है? हेलो, क्लियर यस सर, है? साउंड क्लियर है? ठीक यस सर है, एक बार अटेंडेंस कर लेते हैं। कोई इशू है किसी को भी, किसी भी टाइप का? नोट्स मिल ही जाते हैं आप लोगों को, बस क्वेश्चन, नोट्स के क्वेश्चन आप ट्राई करते रहिए। आरू अटेंडेंस प्लीज। आरू, प्रेजेंट प्रेजेंट सर, अनुजा, प्रेजेंट सर, सनी, गौरव, प्रेजेंट सर, कर्नेल, प्रेजेंट सर, मुस्कान, नील। नील आपकी साउंड क्लियर नहीं होता है, तो आप या तो कुछ ईयरफोन का अरेंजमेंट कीजिए, कुछ इशू है आपके साथ? सर ईयरफोन तो लगा रखे हैं सर मैंने। हाँ, तो साउंड क्लियर नहीं होता, आपका माइक नीचे होता है यार। रजनीश, रंजीत, प्रेजेंट सर, विकास, विकास एब्सेंट है। ठीक है, किसी को कोई इशू हो तो आप मेरे को मैसेज या ईमेल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। सर।